ये देखिए दोस्तों, अभी मैं अगरबत्ती बना रहा था तो इसमें जो पीछे वाला स्क्रू रहता है बेयरिंग के उधर का, वो टूट गया है ये देखिए, और मशीन में से आवाज आना शुरू हो चुका था। तो अभी जब भी अभी आप रेगुलर मशीन यूज करते हैं तो ये स्क्रू बहुत टाइम टूटता है, तो आपको क्या करना है, क्वांटिटी ला के रखना है। मेरे पास ऑलरेडी पड़ा है, मैंने ला के रखे है बहुत सारे, तो अभी मैं इसको रिप्लेस करूँगा। तो इसको रिप्लेस करने के लिए क्या करना पड़ता है, पहले आप ये जो टूटा हुआ स्क्रू है वो पूरा निकाल लेंगे इधर से, ये देखिए उसके ऊपर एक छोटा वाइसर लगा हुआ था और नीचे वाले में ये वाला लगा हुआ था, ये स्क्रू ऊपर, बाद में छोटा वाइसर आता है वो सबसे ऊपर। तो हमने स्क्रू और छोटा वाइसर निकाल लिया है, फिर इसको साइड में करके एक ये वाला भी निकाल लेंगे। अभी इसके अंदर एक स्क्रू हमारा पड़ा हुआ है, ये देखिए तो उसका जो आधा हिस्सा है टूटा हुआ वो वाला इधर पड़ा हुआ है, ये देखिए अंदर। तो अभी हम क्या करेंगे, पहले थोड़ा साफ कर लेते हैं इसको, ये पूरा। तो सबसे पहले हमें ये वाला जो पूरा पिस्टन का सेट है इसको खोलना पड़ेगा, ये पूरा। तो हम ये बड़ा स्क्रू खोलेंगे इधर से तो ये पूरा निकल जाएगा, और बाद में हम एक ये वाला स्क्रू खोलेंगे और एक ये वाला स्क्रू खोलेंगे, ये देखिए। और पूरा स्क्रू नहीं खोलना है, थोड़ा खोलेंगे तो भी ये वाला, ये जो पूरा है इसके ब्रैकेट रहते हैं इसको लगाए हुए, तो ये नीचे से हम कुछ लगाएंगे और ऐसे दबाएंगे तो ये धीरे धीरे ऊपर आ जाएगा। बाद में हम इसको हाथ से भी निकाल सकते हो, आराम से निकल जाता है। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए दोस्तों मैंने ये वाला स्क्रू निकाल दिया है, ये देखिए, और ये पूरा पिस्टन सेट है। तो अभी हम क्या करेंगे, ये होने के बाद इसमें वॉयलिंग भी कर लेंगे, ग्रीसिंग और वॉयलिंग, ये देखिए, नहीं तो फिर ये टूटने का डर रहता है अपने को। ये पूरा महंगा मिलता है पूरा सेट मार्केट में, तो मेन इसका ध्यान रखना पड़ता है आपको, और कुछ टेंशन नहीं है मशीन में। अभी हम क्या करेंगे, ये वाला जो स्क्रू है वो खुलेंगे, बाद में इधर मशीन वालों ने ऐसे हमको टूल किट दिया होगा, ये टूल का यूज़ करके ये वाला दोनों स्क्रू थोड़ा लूज करेंगे ताकि ये निकल जाए। ये देखिए मैंने दोनों साइड से थोड़ा थोड़ा स्क्रू खोल दिया है। अभी मैं क्या करूँगा, इधर नीचे से कुछ डालूंगा और इसको पूरा उठा लूँगा। ये देखिए दोस्तों, एक स्क्रू ड्राइवर अभी नीचे से पूरा घुसाता हूँ, ये देखिए लूज हो चुका पूरा। अभी हम इसको उठा सकते हाथ से, ये देखिए अभी पूरा साफ कर लेगी इसको। और इधर आपको ग्रीसिंग नहीं करना है, वो चीज़ ध्यान रखिए, सिर्फ नॉर्मल ऑयल लगाना है इधर आपको, वापस लगाते टाइम। ये देखिए दोस्तों, अभी मैं नया स्क्रू लगा रहा हूँ इसको, मैंने वो नीचे वाला स्क्रू निकाल दिया है, उसको आप हाथ से भी निकाल सकते हैं। अभी क्या करेंगे, जब भी इसको लगाना हो तो इसके ऊपर पहले थोड़ा ऑयल लगा देंगे, ताकि क्या है वो जंग खा के अटक ना जाए इसमें। आप इसमें जितना हो सके उतना ऑयल डालना, ज़्यादा मत डालना, सिर्फ नीचे के हिस्से में डालना है आपको, ताकि स्क्रू टूटे नहीं, और अगर टूट जाता है तो हम उसको आसानी से निकाल पाते हैं। ये देखिए दोस्तों, मैंने इसमें स्क्रू डाल के चेक कर लिया है, इसको भी मैंने फिट कर दिया है। अभी मैं पिस्टन लगा दूंगा, उससे पहले मैंने बेयरिंग को पूरा साफ कर लिया है कपड़े से, ये देखिए दोनों साइड से। अभी मैं इसको लगाने के बाद इसमें ग्रीसिंग करूंगा ये पूरा। बाद में हम इसको, सबसे पहले हमें लगाते टाइम ये वाला स्क्रू लगाना है ऐसे, बाद में आपने ये ध्यान रखना है कि सबसे पहले खोलते टाइम अगर ये जो ये अपना बेरिंग है वो इधर लगा हुआ है तो इसको इस स्क्रू में मत लगाइए, इसी में रहने दीजिए, बराबर। जो भी कंपनी का सेटिंग है उसको मत हिलाइए। अभी मैं इसमें सब फिट कर लेता हूँ, ये वाला और ये वाला इधर लगा होगा पहले, बाद में ये लगा देता हूँ। ये देखिए दोस्तों, मैंने इधर का फिटिंग कर लिया है। अभी नीचे बड़ा बेरिंग रखा है अपना वाइसर, उसके ऊपर हमें रखेंगे बेरिंग और उसके ऊपर ये वाला। तो इसको ग्रीसिंग लास्ट में करना है जब पूरा स्क्रू फिट हो जाए, नहीं तो स्क्रू लूज हो जाएगा और उसका पूरा पकड़ नहीं लेगा उसको। तो आप जब भी मशीन चालू करेंगे तो स्क्रू निकल जाएगा, तो पहले हमको स्क्रू लगा देना है, बाद में ग्रीसिंग करना है। और जब आप पूरा टाइट करने जाएंगे स्क्रू को, ये देखिए स्क्रू को आप जब पूरा टाइट करने जाते हैं तो ये पूरा पिस्टन हिलने लगता है। तो क्या करना है, ये देखिए इधर सिर्फ आपको ये वाला जो आपका है, एक सेकेंड,
ये वाला पाना इधर रख देना है ताकि जब भी आप इसको फिट करेंगे। ये देखिए अभी आगे नहीं जाएगा और आपका स्क्रू भी फिट हो जाएगा बराबर। ये देखिए एकदम टाइट हो चुका है। ओके अभी हम इसको ग्रीसिंग करेंगे। ग्रीसिंग आपको कैसे करना है, थोड़ा लगाना है, बाद में धीरे धीरे मशीन स्टार्ट करना है ताकि ये सब बेयरिंग के अंदर ऑटोमेटिक पूरा ग्रीसिंग हो जाए। ये देखिए दोस्तों मैंने ग्रीसिंग कर दिया है उधर, अभी मशीन स्टार्ट कर रहा हूँ। प्रेशर ज़्यादा है